फैज भाई, मैं मेरा नाम शेख इरफान है और मैं पेशे से एक तालिबे इल्म हूँ। तो पहले तो ये जो आप काम कर रहे हैं, आपके ऐसे अगर 5% लोग दुनिया में आ गए तो इंशाल्लाह जो इस्लाम के नाम पे इतने दंगे फसाद हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और उसके बाद में कि सब लोग जब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो इंशाल्लाह सब जान लेंगे इस्लाम एक अमन और शांति का मजहब है। और दूसरी बात यह है कि आपके जो वॉलंटियर्स रात दिन यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं रात भर यहाँ पे जाग जाग के आपके हमारे लिए जो काम कर रहे हैं, हमको कुछ तकलीफ ना हो, इसके लिए मेरी तरफ से तहे दिल से उनके लिए दुआ निकलती है। और मेरा सवाल यह है कि एक एक इंसान है जो एक लड़के के चाह में 2, 3, 5, 10 लड़कियाँ पैदा करते जाता है, और जब उसे आखिरी में एक लड़का हो जाता है तो वो अपने फैमिली मतलब प्लानिंग कर लेता है कि अब इसके बाद मैं बच्चा पैदा नहीं करूँगा, तो इसके लिए उसका क्या? भाई ने एक सवाल किया कि अगर कोई शख्स है वो जो उसको लड़कियां पैदा होती हैं और उसके बाद फिर उसको एक लड़का पैदा हो जाता है, तो फिर वो फैमिली प्लानिंग के नाम पे वो हमेशा के लिए औलाद पैदाइश बंद कर देता है, इस मामला क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये, शरीयत ने लड़कों और लड़कियों में फ़र्क नहीं किया याद रखी। अगर किसी को पूरी भी लड़कियां हों तो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो कमतर आदमी नहीं है, सोसाइटी में उसका मुकाम कुछ कम नहीं हो जाता। इस शरीयत में तो लड़की जिसको पैदा हो, 1, 2, 3 परवरिश करे, बालिग हो जाए, तालीम दे, शादी कर दे, वो आपसे फरमाते मेरे साथ जन्नत में ऐसा होगा। एक शख्स उठा और कहा अल्लाह के रसूल, दो का क्या? तो कहा वो भी। और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक का पूछा जाता तो आप एक पर भी यही कहते थे। तो इस शरीयत ने तो बहरहाल वो कहते हैं लड़का पैदा होते हुए क्या करते, फिर हमेशगी वाला ऑपरेशन करा लेते कुछ ना कुछ और फिर रोक देते। याद रखिए, शरीयतन ये जायज नहीं है। हाँ, आप ये प्लान कीजिए कि आगे औलाद नहीं करना, जल्दी पैदा ये अब नहीं करना है, लेकिन उसके लिए ये तरीका इख्तियार करना कि ऑपरेशन करवा लेना ये नुकसान दे। इसलिए कि मैं ऐसे वाकया जानता हूं कि लड़कियां थी, बहुत से लोगों को ऑपरेशन करा लिया, लड़का हो गया और परमानेंट ऑपरेशन करा लिया और उसके बाद ये हुआ कि लड़के का इंतकाल हो गया, अब जो रास्ता तबंदी कर लिया अपने हाथ से, है ना? तो बहरहाल ये होना नहीं चाहिए। और बहुत सी बार ये ऑपरेशन ही फेल जाते हैं, ये फेल जाते हैं ऑपरेशन। याद रखिए, एक साहब थे, वो मुझे सुनाया करते थे वाकया। वो कहते थे कि वो उम्र में बहुत बड़े थे और उनके बहन भाई छोटे थे बहुत काफी। एक बार मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि आप में और आपके बहन भाई में बहुत ज्यादा फर्क है, मतलब एक क्या फिर डायरेक्ट एकदम बहुत छोटे थे। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा फर्क दिखता है, ये क्या है? तो कहा अल्लाह की तरफ से सजा है बोले अम्मी अब्बा को। बोला ये क्यों? तो बोले ऑपरेशन करा लिए थे, फ्री हो गए थे, बोले बाद में पैदा हो गए बोले। अल्हम्दुलिल्लाह, बोले अल्लाह ने उनको बता दिया ये गलत काम किए थे तुमने, उसके बाद भी मैं दे सकता हूँ, परमानेंट ऑपरेशन की बात भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो जिसको पैदा होना है वो होके ही रहता, ठीक है? तो लिहाजा उनका वो अमल कराना, हमेशगी के लिए औलाद रोकना गलत है, याद रखिए। शरीयतन दुरुस्त नहीं है, जायज नहीं। हाँ, ये सोच ले कि भाई आगे नहीं करना है, हम अब नहीं करेंगे, तो उसके दूसरे तरीके हैं, लेकिन ये तरीका परमानेंट मेथड शरीयत इसकी इजाजत नहीं देता, ये दुरुस्त नहीं होगा, ये अल्लाह की फितरत में तब्दीली है और ये जायज नहीं, याद रखिए।